मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी जो सुन पा रहे हैं, आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को जरूर सुने एक बार, और मैं दूसरी तरफ भी सुना रहा हूं कि अलग अलग इस देश के जो प्रणेता हैं, अभिनेता हैं, और जो इस देश के कर्णधार रहे हैं, जिनको जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है और समाज के एक नई दिशा नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, उनकी बातों को भी सुने और उसके बाद इसका इस पर आप अमल भी करें। ये जो सियासी चाल है, साजिश है, इस साजिश से आप बचें। आप हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई हैं, इस प्रामाणिकता के साथ, इस मानवता के साथ आप इस देश को, इस दिल्ली को जलने से बचाइए। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। क्या कहने? मेरे बचपन का हिंदुस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ, मैं उसको ढूंढ। कि जहाँ थे तुलसी और कबीर, जहाँ थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रसखान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, वो मेरे पुरखों की जागीर, वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर कश्मीर, वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की मिट्टी खुद नशीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन, गरीब नवाज हिंद सुल्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये भूखा शायर प्यासा कवि, ये भूखा शायर प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि, ये भूखा शायर प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि, हो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, करा दे अजमल को जलपान, मैं उसको ढूंढ रहा, वाह वाह वाह, उसको ढूंढ रहा। साज का कोई धर्म नहीं, संगीत का कोई धर्म नहीं, तो आंसुओं का क्या धर्म है? धर्म के नाम पे कई लोग बहुत सारे जुल्म करते हैं, क्या कोई भगवान या खुदा इस जुल्म को माफ करेगा? It doesn't matter whether you're a Hindu or Muslim on the field. Don't let it matter off the field. I'm Sachin Tendulkar. I'm an Indian first. एक हिंदुस्तानी पे जुल्म, सारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म है। मैं एक हिंदुस्तानी। मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानियों पे जुल्म
सारे देश पे जुल्म है। बंद कीजिए ये अनर्थ। हम एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आप तमाम दिल्ली वासियों को और देश के सभी कोने में सभी हिस्सों में रह रहे तमाम मुस्लिम और हिंदू भाइयों से अपील करता हूं कि ये कोई लड़ाई नहीं है। आप किसी भी नेताओं के भड़कावे में ना आए, आप किसी भी संगठनों के भड़कावे में नहीं आए, आप अपने सद्बुद्धि के साथ इस्तेमाल करें। ये हमारी गंगा जमुना की तहजीब है जिसे हमारे पूर्वजों ने अक्षुण बनाकर रखा है, और आप इससे गुजरात के बाद जो दिल्ली का दंगा मॉडल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है, इससे आपको बचना होगा। एक बात याद रखिए, नफरत की राजनीति जो करवाई जा रही है उससे किसी का भला नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम में इस देश का आम आवाम है, जो हिंदू या हो या मुसलमान, उसके परिवार के लोग जो है वो सफर करेंगे, हम सफर करेंगे, आप सफर करेंगे। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से अपील करूंगा कि आप इस बहकावे में ना आए, आप लोगों से शांति का अपील करें, आप पड़ोसियों से शांति का अपील करें, आप तमाम जो आपके जानने वाले हैं हिंदू भाई हैं मुसलमान भाई हैं उन तमाम भाइयों से अपील करें कि ये लड़ाई ये सियासी तौर पर सियासत के लोगों के द्वारा कराई जा रही है, ये लड़ाई वोट की राजनीति की जा रही है, इसमें किसी हिंदू या मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये सारी जो कहानी है, ये स्टोरी है, ये फिल्म जो है वो पहले से बनाई गई थी और उसे बारी बारी से चलाई जा रही है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सियासत दोषी है। आप तमाम साथियों से अपील करूंगा कि आप सभी अपने वैचारिकता का परिचय दें, मानवता का परिचय दें, आप एक दूसरे को कहें कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराने लोगों ने और हमारे जो एंसेस्टर थे उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस मानवता को अर्जित किया है, इस गंगा जमुना की तहजीब की एकता को अर्जित किया है, इसे आप बर्बाद होने से बचाएं। मेरी इतनी अपील है। जय हिंद।